हेलो स्टूडेंट्स, प्लस वन ज्योग्राफी क्लास चैप्टर 9 सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर हमारा कंटिन्यू है। इसके अंदर हमने सोलर रेडिएशन टॉपिक शुरू कर रखा है और कल हमने सोलर रेडिएशन क्या होता है, इंसुलेशन क्या होता है, सोलर कांस्टेंट क्या होता है, ये सब टॉपिक इनकी डेफिनेशन हमने देख ली थी। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट अर्थ सर्फेस, यानी जो इंसुलेशन मिलता है हमें सूर्य से उसका वितरण हम देखेंगे, क्योंकि यह सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता। तो इनके क्या कारण हैं, पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप में भिन्नता क्यों पाई जाती है, तो कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। 5 फैक्टर हैं मुख्य। पहला द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, दूसरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज, तीसरा द लेंथ ऑफ डे, चौथा ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर और पांचवा कन्फिगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म ऑफ इट्स एस्पेक्ट। इसमें से पहले 3 फैक्टर हैं वो ज्यादा जिम्मेवार है, अंतिम 2 फैक्टर इतने ज्यादा प्रभावी नहीं है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहला है द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और 23.5 डिग्री अपने एक्स पर ये झुकी हुई है, जबकि इसका जो परिक्रमण पथ है सूर्य के चारों ओर उस समतल प्लेन के अंदर ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इससे यानी पृथ्वी का झुकाव किस तरह इंसुलेशन कम ज़्यादा करता है, इस चित्र के अंदर यदि हम देखें तो ये 21 जून की जो हमारी अर्थ है उसकी स्थिति है। 21 जून को जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सूर्य की किरणें क्या हैं, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। कर्क रेखा के ऊपर किरणें लंबवत होती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो इस लाइन से इधर हिस्से के अंदर दिन है और इधर क्या है, रात है। और दोनों गोलार्धों के अंदर आप हेमिस्फीयर के अंदर आप देख रहे हैं कि इस 0 डिग्री लाइन से ऊपर इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा है जो इसके अंदर इंसुलेशन प्राप्त हो रहा है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर मात्र इतना ही हिस्सा इंसुलेशन ले रहा है। तो एक तो ये फर्क हो गया। दूसरा, जैसे किरणें तिरछी होंगी तो यहां देख रहे हैं कि जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, यहां 6 महीने तक सूरज दिखाई देता है और नीचे साउथ पोल के अंदर 6 महीने की रात होती है। ये भी अर्थ की रोटेशन की वजह से है। तो अब यहाँ 90 डिग्री का कोण है और सूर्य हम मान लेते हैं कि इससे राइट हैंड साइड में है इधर। अब 6 महीने बाद सूर्य तो यहीं रहेगा, अर्थ घूम के दूसरी तरफ चली जाएगी, तब ये हिस्सा क्या है उसके सामने होगा। तब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर हम कह दें कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा मकर रेखा के ऊपर। तो रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसे इंसुलेशन की मात्रा के अंदर भिन्नता पाई जाती है। दूसरा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज। इस चित्र के अंदर आप देखें अर्थ के, ये अर्थ है और ये चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। सूर्य की किरणों का झुकाव किस तरह इंसुलेशन पर इफेक्ट करता है, ये आप देख रहे हैं कि कै जो सूर्य की किरणें हैं वे सीधी पड़ रही हैं भूमध्य रेखा के ऊपर, तो इन्हें कम क्षेत्रफल गर्म करना है, इतना ही एरिया गर्म करना है, तो प्रति इकाई सूर्य तप क्या है ज़्यादा मिल रहा है। जबकि गै और खै जो पुंज हैं, किरण पुंज, इनको ज़्यादा एरिया, क्योंकि किरणें क्या हैं तिरछी हो गई, यहाँ एक किरण है एक ऊपर है, तो इन दोनों के बीच की ये क्षेत्रफल क्या है ज़्यादा हो गया, ए और बै के बीच, तो ज़्यादा क्षेत्रफल किरणों को गर्म करना पड़ता है क्योंकि किरणें तिरछी हैं, इसलिए प्रति इकाई क्षेत्रफल को सूर्य तप कम मिल रहा है, यही नीचे है। तो एक तो क्षेत्रफल इसका महत्वपूर्ण फैक्टर है, और दूसरा वायुमंडल की मोटाई, एक तो ये देख रहे हैं आप यहाँ एटमॉस्फेयर इतना ही चौड़ा है
लेकिन खै के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई क्या होगी, ज़्यादा होगी ऊपर और भी ज़्यादा होगी, तब इसको ज़्यादा सूर्य तक गर्म करना पड़ेगा, ज़्यादा वायुमंडल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर वायुमंडल द्वारा सूर्य तक कम खर्च हो रहा है वायुमंडल के अंदर, यहाँ खर्चा क्या है भाई सूर्य तप का, इंसुलेशन का ज्यादा है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्टर है इसके। और तीसरा है लेंथ ऑफ द डे, दिन की अवधि, यानी दिन कितना लंबा है। तो हमें सूर्य तप हम जानते हैं कि दिन के अंदर ही मिलता है, रात के अंदर तो मिलता नहीं है। जब सूर्य आकाश में चमकता है तो उसकी किरणें हम तक पहुंचती हैं, अतः किसी स्थान पर प्राप्त हुई सूर्य तप की मात्रा दिन की लंबाई या हम कहें धूप की अवधि पर निर्भर करती है। गर्मी के अंदर दिन क्या है, बड़े होते हैं, तो लगभग 13-14 घंटे के दिन होते हैं। तो दिन गर्मियों के अंदर हमें इंसुलेशन ज़्यादा मिल रहा है, और सर्दियों में इसका उल्टा हो जाता है। तो चौथा है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोसफियर, वायुमंडल की पारदर्शिता। एटमोसफियर कैसा है, उसके अंदर बादल कितने हैं, या हम कहें कि वाटर वेपर कितने हैं, डस्ट पार्टिकल कितने हैं, इनकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर उतना ही कम धरती की ओर पहुंचेगा। और पांचवा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म ऑफ इट्स एस्पेक्ट, यानी लैंड या हम कहें कि लैंड और वाटर दोनों क्या हैं, अलग अलग तरीके से गर्म होते हैं, दोनों के अंदर 5 गुना फर्क होता है। यदि एक समान तापमान दोनों को दिया जाए, वाटर को और लैंड को, तो वाटर 5 गुना ज़्यादा समय लेगा लैंड की बजाय गर्म होने में। तो ये भी एक फैक्टर है कि सूर्य के सामने लैंड है या वाटर है। तो ये हमारा टॉपिक वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट अर्थ सरफेस। थैंक यू।